हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत मजे कर रहे होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 10 कॉमन मिस्टेक्स जब हमें पिगमेंटेशन होती है, या जब मुझे पिगमेंटेशन होती है हुई थी तब मैंने ये 10 कॉमन मिस्टेक्स करी ही करी थी, और ऑलमोस्ट 90% लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो करती ही करती हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको क्या क्या नहीं करना है, और एक और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए। सो ऑल्दो मैं कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ करी थी, आप वो गलतियाँ ना करें। सो सबसे पहली जो गलती मैंने करी थी, मतलब मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियो सर्च कर मारी, तो स्टॉप वॉचिंग लॉट ऑफ वीडियोज़ कि भाई आपने यूट्यूब पर सर्च करा, आपने आपको बहुत सारी हज़ारों में वीडियो मिलेंगी कि आपको ये लगा लो, आप वो लगा लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो। भाई आपको नहीं पता है आपकी स्किन टाइप क्या है, आपको किस वजह से वो प्रॉब्लम है, तो आप कोई भी वीडियो या किसी ने भी कुछ भी बताया हो सकता है वो उसके ऊपर काम कर गया हो, बट आपके ऊपर काम करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ देख देख के अपने स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट करना बंद करें। तो सेकेंड चीज़ वो यही है कि आप स्टॉप एक्सपेरिमेंटिंग विद योर स्किन। ये आपकी स्किन है, कोई साइंस का प्रोजेक्ट नहीं है कि आप इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट कर दें, आप किस कुछ भी लगा लेंगे। तो मतलब प्लीज़ बंद करो यार, क्योंकि उससे क्या होता है ना, स्किन ठीक होने के बजाय मतलब स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कुछ चीज़ें होती है जो एक शॉर्ट टर्म पे आपको थोड़ा सा रिजल्ट दिखने को मिल जाता है कि हाँ यार देखो मेरी स्किन पे इस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है, ये चीज़ मैं लगा रही हूँ, तो वो एक शॉर्ट टर्म के लिए आपको मतलब हो सकता है आपको फ़र्क दिखने लग जाए, बट लॉन्ग टर्म में वो काम नहीं करती है। तो इसलिए आप अपनी स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट करना बंद करिए। आप एक दिन कोई कुछ प्रोडक्ट लगा रहे हैं, दूसरे दिन आप कुछ लगा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि आप एक बार किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपकी स्किन टाइप को समझेगा या समझेगी, और वो आपको बता सकते हैं कि आपकी स्किन में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, आपकी स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो किस वजह से हो रही है। जब आपको वजह पता होगी तब आप उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जब आपको वजह ही पता नहीं होगी तो आप उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। तो तीसरी चीज़ है वो है कि हमें अपना स्किन केयर रूटीन पे ध्यान रखना है। होता क्या है ना कि हम एक दिन तो बहुत अच्छा स्किन केयर रूटीन करते हैं, दूसरे दिन हम कोई भी स्किन केयर रूटीन फॉलो ही नहीं करते हैं। तो हालांकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि मैं एक हफ्ते तो पूरा स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ और अगले हफ्ते तो मैंने स्किन केयर को देखा ही नहीं। तो ऐसे स्किन केयर काम करता ही नहीं है। आप जैसे खाना खाना नहीं भूलते ना, वैसे ही आपको स्किन केयर भूलना ही नहीं है। आप जैसे दो टाइम खाना खाते हैं वैसे ही आपको दो टाइम आपको स्किन केयर करना नहीं भूलना है। सो एक बहुत सबसे बेसिक चीज़ होती है स्किन केयर, और वहीं हम सबसे ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं कि हम बेसिक स्किन केयर करते ही नहीं हैं। फोर्थ है जो हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज। हमें ये लगता है कि यार खाना खाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, एक्सरसाइज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। हालांकि सबसे ज़्यादा फ़र्क उसी से पड़ता है। आप अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, आप मतलब बाहर जाएंगे, थोड़ा अपने आप को एक्सरसाइज करेंगे, तो आप हेल्दी खाना खा पाएंगे। आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप पड़े रहते हैं, तो आप हेल्दी खाना भी नहीं खा पाते हैं, और मतलब आप खुद ही लेज़ी फील करते हैं, तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि जैसे आप बीमार से हो। इसलिए आप एक अच्छी एक्सरसाइज रूटीन होना, एक हेल्दी खाना खाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी स्किन की 90% प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएंगी अगर आप एक अच्छा एक्सरसाइज, एक अच्छा हेल्दी खाना और अच्छा स्किन केयर करते हैं ना, तो आपकी 90% प्रॉब्लम अपने आप ख़त्म हो जाती है, आपको इतना सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है सन एक्सपोजर। अगर हम बाहर जाते हैं तो हम हम सनस्क्रीन अप्लाई कर लेते हैं, और जैसे डायरेक्ट सन एक्सपोजर अगर आपका हो रहा है ना, तो आप अपना फेस थोड़ा सा कवर कर लीजिए। आप किसी कॉटन के दुपट्टे से कर सकते हैं, आप अम्ब्रेला ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। बट क्योंकि डायरेक्ट सन अगर आपको हिट करता है ना, तो क्या होता है पिगमेंटेशन उससे मतलब वो ट्रिगर हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा दिखने लग जाती है। तो इसलिए आपको वो चीज़ एक अवॉइड करनी ही करनी चाहिए कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप या तो अपने फेस को किसी चीज़ से कवर कर लीजिए, या आप अवॉइड करिए एकदम से जैसे पीक आवर्स में बाहर जाना, 11, 12, 1, 2 के आसपास आप बाहर जाना थोड़ा सा अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड ही करें। सो नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, नेक्स्ट मिस्टेक मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है स्टॉप टचिंग योर फेस अगेन एंड अगेन। हम अपनी स्किन को बार बार टच करते रहते हैं, तो उससे होता क्या है, जो हमारे हाथों पे जो जर्म्स लगे होते हैं ना, वो सारे के साथ सारे फेस पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जो प्रॉब्लम हमें होती भी नहीं है ना, वो भी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए अपने हम
मतलब अपने हाथ कहीं कहीं तो लगाते ही रहते हैं यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। और बार बार हम अपने हाथ धुलना याद भी नहीं रहता कि हम हर मिनट अपने हाथ नहीं धुल सकते, इसलिए आप अवॉइड करो, आप अपना फेस टच करना अवॉइड करो। जितना आप उस चीज़ को दिमाग में रखोगे कि यार नहीं टच नहीं करना मुझे फेस, तो आप एक टाइम के बाद वो आपकी रूटीन में आ जाता है। सो उससे होता क्या है कि आपके मतलब फेस पे कोई भी जर्म्स ट्रांसफर नहीं होते और आपकी स्किन थोड़ा सा हेल्दी रहती है। तो जो नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है वो है एक्सफोलिएशन की। हम क्या होता है ना, हम ये सोचते हैं कि हम अपने स्किन को जितना ज़्यादा रब करेंगे हमारी स्किन उतना ज़्यादा ग्लो करेगी। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, अपनी स्किन ये आपकी स्किन है, आपको इसको अपने बच्चे की तरह पालना होता है, बहुत प्यार से रखना होता है। जितना ज़्यादा आप इसको प्यार से रखोगे उतनी ज़्यादा ये ग्लो करेगी। तो आपको वंस इन ए वीक आप एक्सफोलिएट करो, आपके लिए इनफ होता है। मैं रेगुलर बेस पे स्कर्ब करती थी, और मतलब उससे क्या होता है ना, स्किन में मतलब आपके सारे टिश्यूज़ ब्रेक हो जाते हैं, आपके ब्रेकआउट्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और आप जब भी स्कर्ब करें या जब भी कुछ भी आप ट्राई करें तो बहुत ही जेंटली उस चीज़ को ट्राई करें, बहुत प्यार से उस चीज़ को ट्राई करें। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे लगे लगे रहो, नहीं भाई, वो स्किन है, आप उसको बहुत प्यार से रखोगे तो वो बहुत प्यार से ग्लो करेगी। सो या ये जो मिस्टेक होती है ना, ये तो ऑलमोस्ट 95% लोग करते ही करते हैं, तो आपको ये नहीं करनी है। आप जितना जेंटली आप उसको करेंगे वो तब भी उतना ही रिजल्ट देगा जब आप उसको बहुत तेज़ रगड़ रगड़ के करेंगे, तब भी वो सेम ही रिजल्ट देगा। इसलिए आप उसको मतलब अवॉइड करें, जितना ज़्यादा आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। वंस इन ए वीक आपको आप करो, बट उसको तब भी आप बहुत जेंटली करो, बहुत प्यार से करो। ऐसा नहीं है कि आप मतलब उस चीज़ को मतलब बहुत हार्शली करना कोई भी ज़रूरी नहीं है। सो नेक्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो है हम किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाने के बजाय किसी कॉस्मेटिक की शॉप पे जाके हम उनको बोलते हैं कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, दीदी मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, आप मुझे पिगमेंटेशन का कोई ऐसा क्रीम बता दो या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट बता दो जिससे मेरी पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाए, मेरी स्किन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। भाई उन्होंने एक शॉप ओपन कर रखी है जिसमें वो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हो सकता है उन्होंने कोई प्रोडक्ट किसी को दिया हो और उससे उसको फ़र्क पड़ गया हो, वेल गुड है वो चीज़, बट आपके ऊपर वो चीज़ मतलब वो चीज़ असर करे कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप प्लीज़ ये मिस्टेक तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दें। आपको ये लगता है कि महंगे प्रोडक्ट्स का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, ऐसा भी नहीं होता है। वो जस्ट एक हमारी थिंकिंग में है कि अगर हम महंगे प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा ग्लो आएगा, ऐसा नहीं होता है। आप मतलब बहुत रिजनेबल प्राइस के प्रोडक्ट कर यूज़ करके भी आपकी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो कर सकती है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, आप उस चीज़ को यूज़ करें, ना कि महंगे प्रोडक्ट्स को। ऐसा नहीं होता है, जैसे लाइक आजकल मार्केट में काफ़ी महंगे महंगे मॉइस्चराइज़र, महंगे महंगे क्रीम्स आई हुई है। अगर आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ वही चीज़ें आपके स्किन पे ग्लो नहीं कर सकती हैं। मैं आपके साथ मतलब अपनी पुरानी पिक्चर भी शेयर कर दूँगी, और अब की पिक्चर मतलब अब तो आप देख ही सकते हैं, मैंने अपने फेस पे कोई भी मेकअप नहीं कर रखा, बिल्कुल बस थोड़ा सा लिप टिंट लगा रखा और मस्कारा, उसके अलावा मैंने अपने फेस पे कोई मेकअप नहीं कर रखा है। इट्स माय नेचुरल स्किन, और मुझे अभी भी पिगमेंटेशन रह रही है। मतलब मैं इतने लंबे टाइम से एक रेगुलर स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ तो मेरी पिगमेंटेशन मतलब आपको दिखाई नहीं देगी, बट जैसे ही मैं उसको बंद कर दूंगी तो वो दिखाई देती है। आप उसके लिए चाहे कितने महंगे प्रोडक्ट यूज़ कर लें, कुछ भी यूज़ कर लें, बट आपको एक रेगुलर स्किन केयर अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो दोबारा से आपको दिखने स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके आप एक अपना अच्छे से स्किन के डॉक्टर के पास जाएं, उससे सलाह लें, वो आपको एक बिल्कुल बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि आपकी स्किन में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, आपको क्या यूज़ करना चाहिए। अगर आपको कोई सप्लीमेंट लेने की भी ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको सजेस्ट कर देते हैं कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है तो आप इस चीज़ के आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको विटामिन सी की कमी है तो वो आपको विटामिन सी की टैबलेट्स दे देंगे, सप्लीमेंट्स दे देंगे, ताकि आपकी वो डेफिशिएंसी आपके अंदर से वो डेफिशिएंसी कम हो और आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करे। तो आप ये सब चीज़ें मतलब अवॉइड कर सकते हैं, जो 10 कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताई है, और आप एक हेल्दी स्किन रख सकते हैं। वैसे मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहूँगी कि आप बहुत खूबसूरत हैं, बट आपके अंदर बस कॉन्फिडेंस की कमी है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब कोई इंसान गोरा है या कोई से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ही वो सुंदर है, नहीं भाई, हर इंसान अपने आप में सुंदर होता है, आप भी सुंदर हैं।
हर इंडिविजुअल इंसान बहुत सुंदर होता है, सो आप किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितना सुंदर है, मैं क्यों सुंदर नहीं हूँ। मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं है भाई, आप जैसे हो आप वैसे ही बहुत सुंदर हो। मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं है यार, आप कॉन्फिडेंस से रहो। बस ये है कि अगर आप अपनी केयर करेंगे तो आपको खुद को अच्छा लगेगा, अगर आपकी स्किन ग्लो करेगी तो आप उससे कॉन्फिडेंट फील करोगे। इसलिए आपको कुछ कुछ चीज़ें आपको फॉलो करते रहना चाहिए, उससे क्या होता है ना आपका कॉन्फिडेंस, आपका इनर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो इसलिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।